हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हो, अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट की 6 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं और अब हम आज देखने वाले हैं अपनी 7th वीडियो। अपनी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें अपन ने देखा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो कहाँ से आते हैं। अब अपनी 7th वीडियो में अपन देखने वाले हैं जो भी एडवांस्ड लेवल के कॉन्सेप्ट बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो कैसे ड्राइव होते हैं, उन सबका डेरिवेशन आज अपन देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे एडवांस्ड लेवल के जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले तो अपना बेसिक फॉर्मूला जो अपन ने देखा था, ये वाला अपना बेसिक फॉर्मूला जो अभी तक अपन ये वाला देखते आए, ठीक। अब देखते हैं अपने ये वाले फॉर्मूले या तो आप इस टाइप से करो, इन्हें बोलते हैं क्या, हैशटैग फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला होते हैं जो कि ज्यादातर लोग इन सबको जानते हैं। अब अपन नेक्स्ट चीज सीखते हैं, ये होता है अपना फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड चीज आज अपन सीखेंगे वो होगा कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में थोड़ा बहुत बताऊंगा और बाकी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में होगा। थर्ड चीज अपन देखने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। इसमें अपन देखेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट से मिलकर जो फॉर्मूला बनते हैं वो ड्राइव कैसे होते हैं, यू सारे के सारे फॉर्मूले आज अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो बेसिक फॉर्मूला वो लिख लेते हैं जो मैंने कल आपको सिखाया था कि P:I 100:RT। ये वाला जो बेसिक पहले ये बेसिक फॉर्मूला अपन देख लेते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि कभी कभी यहाँ पे 100 नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगर रेट अपनी 33:1/3 दी है, 33:1/3%, तो मान लीजिए तो इस रेट से अपन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपीज है और मेरी 33% 3000 ले लेते हैं, अपना 3000 है, ये अपना 3000 है और 4 ईयर्स की चलिए, टाइम मेरा 4 ईयर है, तो सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो इस केस में क्या होता है, अपन 100 तो लिख लेंगे, RT फ्रैक्शन वैल्यूज की लिखने में अपन को बहुत दिक्कत आएगी, तो अपन क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है ये इसे अपन कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन से। जैसे अपन देखते हैं कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर मतलब अंश बटा में हर अंश, ये अपना क्या होता है, इसे अपन मान के चलेंगे अपना सिंपल इंटरेस्ट जो भी न्यूमरेटर में होगा, और ये डिनोमिनेटर में होगा उसे अपन बोलेंगे कि ये क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये हो गया प्रिंसिपल, तो अपन प्रिंसिपल लिखेंगे और आई लिखेंगे इंटरेस्ट, तो यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और यहाँ न्यूमरेटर इंटू टी, ये आर की जगह न्यूमरेटर इंटू टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे अपन, ठीक है। अब देखते वाले हैं एग्जाम्पल से, ये देखा हमने कि प्रिंसिपल कितना अपना 3000 रुपीज, प्रिंसिपल अपना हो गया 3000 रुपीज। अब दूसरी चीज देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये अपन को फाइंड करना है, इंटरेस्ट अपन को फाइंड करना है। और अब देखते हैं कि 100, मैंने क्या बताया 100 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3, मतलब 3 रुपीज़, 3 क्या हुआ अपना प्रिंसिपल, 1 अपना हुआ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 3 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलता है, 1 रुपये इंटरेस्ट मिलता। तो ये बताइए कि 4 साल में कितने रुपये मिलेंगे, 4 ब्याज मिलेगा, 4 रुपये ब्याज मिलेगा, मतलब ये देखिए 3 का 1000 गुना है, जैसे काटो तो 1000 आ जाएगा ये, तो ऐसे 4 का ये गुना होगा, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपना 4000 रुपये। तो सबसे बेसिक बिल्कुल एक लाइन का सॉल्यूशन होता है, बस हमको न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर होगा। मेरे हैंड रिटन खुद के नोट्स हैं, आप वो देख सकते हो, उसमें आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको उसमें मिल जाएंगे, न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर, ठीक।
ये हुआ अपना बेसिक फॉर्मूला, जो मैंने समझाया कि पहला कॉन्सेप्ट था अपना कि अगर अगर फ्रैक्शन, अगर परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं दिए उसकी जगह फ्रैक्शन में चीज दे दिया होगी न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर, अगर 20% तो 30% अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100+ समथिंग, पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर प्रिंसिपल एक चीज को कांस्टेंट रखता है और दूसरी को इंक्रीज कर देता है, जैसे एक चीज को चेंज रखेगा दूसरी को इंक्रीज कर देगा। इस कंडीशन में अपन देखेंगे क्या, पहली कंडीशन में लेके चलता हूँ, पहली कंडीशन जिसमें जिसमें पहले तो अपना बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी रेशो एस आई अपॉन में आर टी, और यहाँ पर क्या लिखें अपन 100, ये हो गया। अब इसकी अपन डिफरेंट फॉर्म देखेंगे, जैसे अगर मान लो प्रिंसिपल में डिफरेंट आता है, प्रिंसिपल डिफरेंस मतलब अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए गए, 1000 रुपये इन्वेस्ट किए गए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है अपन को, मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट मिला था मुझे 3000, 3000 था रेट, रेट अपनी है 10% और टाइम अपना है 3 ईयर्स, सब दे दिया मानो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया होता। और अगर वो बोले कि प्रिंसिपल, यदि प्रिंसिपल 200 रुपये बढ़ा दिया जाए, यदि प्रिंसिपल 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, देखो क्या इंक्रीज हुआ, डेल पी, डेल पी का मतलब क्या, चेंजेस इन प्रिंसिपल मतलब मूलधन में परिवर्तन, डेल पी रेशियो एस आई, एस आई क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैंने प्रिंसिपल में चेंज किया है तो ना तो रेट में चेंज हुआ है ना तो टाइम में चेंज हुआ है, जो मेन चेंज हुआ है वो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है सिंपल इंटरेस्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट 100 रेशो आर टी, नोट डाउन कर लो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे फर्स्ट ये जो अपना फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेल पी डेल एस आई। अब देखते हैं कि कैसे कैसे इंक्रीमेंट फाइंड होगा, इंक्रीमेंट मतलब कि प्रिंसिपल इतना बढ़ा है तो रेट कितनी बढ़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा देखते हैं। 3000 तो मुझे ऑलरेडी मिल रहा था 3000, अब देखिए मैंने 200 बढ़ाया, प्रिंसिपल 200 बढ़ाया, मुझे फाइंड करना है एसआई कितना बढ़ेगा, 100 आर टी, रेट रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 3 ईयर्स, कॉन्स्टेंट है केवल प्रिंसिपल में इंक्रीमेंट हुआ। अब देखिए आप ये आ गए 30, 100 का दोगुना 200, 30 30 का दोगुना 600, मतलब एस आई की वैल्यू आ गई 600, 100 दोगुना मतलब सॉरी 30 का 60, तो सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा अपना, एक्चुअल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा अपना 60 रुपये, 60 रुपये बढ़ा केवल, साठ रुपये। अब देखिए ये था अपना कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला, अब अपन देखेंगे बेसिक से कि इसका बेसिक क्या है, बेसिक जो आप कहते हो फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे अपन, फॉर्मूले से देखते हैं कि पहले फॉर्मूला क्या होता है और उसके द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो अपना कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला जिसकी सहायता से अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ आपको फॉर्मूला से, कि देखिए अब 60 था मतलब 1000 300 और 3000 ऑलरेडी मिला था, 60 और इंक्रीमेंट हो गया, देखिए प्रिंसिपल 1000 रुपये का था, इनटू रेट 10% की थी, इनटू टाइम 3 ईयर्स का था, अपॉन में 100, ये था बेसिक। आप इंक्रीज किया करेंगे अपन, प्रिंसिपल को इंक्रीज किया जाएगा, प्रिंसिपल अब देखिए प्रिंसिपल कितना इंक्रीज हुआ 100 रुपीज़, 200 इंक्रीज हुआ प्रिंसिपल, इंक्रीज हुआ 200 रुपीज़, रेट 10 और 3 सेम अपॉन में 100। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, 2 0 2 0 कैंसल, 300,
तो 0 से 2 0 कैंसिल की, 30% 300 आया, ये 300 है, 300 प्लस 300 कितना आएगा, ये 2 0 से 2 0 काटी, 20 30 60। अब देखिए ये फॉर्मूला ऐसा आया। तो सेम चीज़ अपन ने एक लाइन में ऑलरेडी लिख चुके, तो ये इतना लॉन्ग सॉल्यूशन करने की अपन को कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सब्सिट्यूट कर सकते हैं अपनी मेथड से। जो मेथड अपन ने अभी तक सीखी है केवल एक फॉर्मूला है, डेल पी रेशो डेल एस आई एंड 100 रेशो RT। केवल इस फॉर्मूला पर अगर आप एफिशिएंट हो जाते हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को केवल वन लाइनर सॉल्यूशन होता है, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि कुछ कुछ ऊपर लिखें और कुछ नीचे, इस टाइप का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक लाइन में का सॉल्यूशन करने वाले हो आप। आज एक और फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं नया फॉर्मूला पी प्रिंसिपल। माना कि मैंने आपकी बार प्रिंसिपल में चेंज नहीं किया, 100 लगा रेशो, मैंने चेंज किया आपकी बार में रेट में। मान लीजिए मैंने रेट में चेंज कर दिया, रेट मेरी 10% थी, मैंने रेट 20% कर दी। मैंने रेट में चेंज किया 10% का, अगर रेट में चेंज कर दिया जाए तो चेंज सिंपल इंटरेस्ट भी होगा और टाइम कांस्टेंट रहेगा। जिसके आगे डेट लगा हुआ है उसका मतलब है कि वो चीज़ चेंजेबल है, जो चेंज हो चुकी है, रेट है, रेट में चेंज हुआ तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट पे, ना तो प्रिंसिपल चेंज होगा ना तो टाइम चेंज होगा। जो चीज़ चेंज होगी वो केवल और केवल एक है, वो है सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज। देखते हैं कि कैसे, मान लीजिए सेम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं अपन। 1000 रुपीस रेट 10% थी, टाइम 3 इयर्स का था, यदि इंक्रीमेंट हो जाए, किसका किसका इंक्रीमेंट करेंगे अपन, टाइम रेट का। मान ली कि रेट प्लस का 20% हुई, रेट 20% इंक्रीज हुई, तो ये बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज होगा। केवल इस फॉर्मूले से एक लाइन में आंसर आएगा, ये लिखा 1000 SI फाइंड करना है अपन को, 100 रेशो लिखा मैंने और RT क्या लिखेंगे, डेल आर कितना है मेरा, 20% का चेंज हुआ, 10 थी 20 का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब कि 30% रेट कर दी, 20% का इंक्रीमेंट किया मैंने, कितने के लिए, 3 इयर्स के लिए, तो 10 टाइम्स है तो 60 का 10 टाइम्स कितना हुआ, 600, 100 का 1000 तो 60 का 600, मतलब डेल SI जो मेरी पुरानी वीडियोस में क्वेश्चन हो चुके हैं आप उन क्वेश्चंस को देखिए और इन सारे फॉर्मूलास को अप्लाई कीजिए, और आपकी जो बुक में जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आप उन पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फिर देखते हैं कि आंसर कितनी जल्दी आता है, विद इन सेकेंड्स आंसर आएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो और आगे के जो भी फॉर्मूले हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।